विद्या भारती राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देशव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ करेगी। इस अभियान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सुधारों के दायरे, पैमाने और प्रभाव पर व्यापक चर्चा के अलावा प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। ये बात हिमाचल शिक्षा समिति के महासचिव दिलाराम चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस देशव्यापी जागरूकता अभियान के तहत 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2020 तक सोशल मीडिया व वेबसाइट के माध्यम से लोकप्रिय एवं आकर्षक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल शिक्षा समिति के महासचिव दिलाराम चौहान ने बताया कि माईनेप प्रतियोगिता 13 भाषाओं और 4 उपविषयों पर आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कक्षा 9 से 12 की पहली श्रेणी, दूसरी स्नातक श्रेणी और तीसरी नागरिक श्रेणी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को महत्वपूर्ण एवं आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक प्रतियोगी को एक भागीदारी प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि माईनेप प्रतियोगिता के तहत हस्त निर्मित पेंटिंग, मीम मेकिंग, प्रधानमंत्री को पत्र लेखन, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, लघु फिल्म निर्देशन, डिजिटल डिजाइनिंग और ट्विटर एड रचनाएं जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन श्रेणी विशिष्ट प्रतियोगिताओं के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर एक इंटरैक्टिव क्विज भी ऑनलाइन माध्यम द्वारा आयोजित किया जाएगा और विजेताओं के नामों की घोषणा 5 अक्टूबर 2020 को की जाएगी। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शुरू ही है, इसके लिए हम विद्या भारती प्रदेश भर में एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2020 से ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। जो हमारी वेबसाइट है www.mynep.in के माध्यम में रजिस्ट्रेशन होगा पहले, फिर उसके बाद 3 चरणों में हमने इसको आयोजित करने का निर्णय लिया है। 9 से 12 के कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो स्नातक श्रेणी के वो दूसरी श्रेणी है, और तीसरी हमारी नागरिक श्रेणी है। इनमें इनको आयोजित किया जाएगा। उसमें बालक अपनी हस्तलिखित पेंटिंग, मीम मेकिंग और प्रधानमंत्री को पत्र लेखन, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, लघु फिल्म निर्देशन, डिजिटल डिजाइनिंग और ट्विटर थ्रेड रचनाएं जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। क्या मकसद है सर इस प्रतियोगिता करवाने का? इसका मकसद यही है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके लिए हम प्रत्येक नागरिक इसके बारे में जाने और उसके बारे में जागरूक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।